तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी सर्टिफाइड से गौरव, और आ चुका हूँ जो कि आपके लिए, जो कि गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, जो कि गुलू नायक पुरुष पीएससी आरडीआई 2024, जो कि ये विज्ञापन है दोस्तों। तो एक वीडियो मैंने डाल दी थी जब विज्ञापन आया था दोस्तों, तो वहाँ तो एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने, जो कि 4 मिनट की। काफ़ी लोगों को कुछ समझ नहीं आया है, कई लोगों के क्वेश्चन है, डाउट है, तो देखिए सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप इसको पूरा देखेंगे आई होप इसको, और सबसे पहले आप लोगों को इस पुलिस दरोगा भर्ती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आपका जो कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आपकी 21 जनवरी 2024, और अंतिम तिथि आपकी देखिए सिर्फ 20 फरवरी 2024 तक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें तो बताते हैं आपको, बाकी 1 साल की छूट मिलेगी जिन्होंने ये पहले फॉर्म भरा था। अब मैं बताता हूँ इसमें, आप देखिए इसमें पद का नाम आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में 108, 65+65 आपकी उप निरीक्षक, और नागरिक पुलिस आपकी 43 पोस्ट है। तो देखिए उप निरीक्षक की बात की जाए तो 65 पोस्ट ये देख सकते हो आप, बाकी उप निरीक्षक अधिसूचना की आपकी 43 पोस्ट। तो देखिए कितनी पोस्ट हुई आपकी, तो 108 पोस्ट आपकी मिला के हो चुकी है ये दोनों। बाकी इसमें देखिए पद का नाम उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना, जो कि 65+108 पोस्ट है, लेवल 7 की नौकरी, न्यूनतम 21 वर्ष से 28 वर्ष। तो आयु देखिए, तो आयु आपकी जिन्होंने फॉर्म पहले भरा था वो भी भर पाएंगे इस फॉर्म को। एक क्वेश्चन आपका एक डाउट ये क्लियर हो चुका है कि अगर किसी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है टेलीग्राम पे कि हम भर पाएंगे, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकेंगे जिन्होंने पहले भरा है। अब देखिए इसमें भारत में विधि द्वारा विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार मान्यता द्वारा शैक्षिक धारक, आपको BA इसके लिए BSc BCom होना चाहिए, बाकी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपकी इंटरमीडिएट जिसमें मांगी गई है, और अधिमान अर्हता भी ये मांगी है। उप निरीक्षक नागरिक महिला अधिसूचना पद हेतु सीधी भर्ती, शारीरिक अर्हता महिला न्यूनतम के लिए, महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए तो महिला अभ्यर्थियों के लिए या पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात की जाए अगर, जो कि अर्हता तो आपकी 61 राइट, जो कि पुरुष के लिए, महिला के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 60, अगर आपके पास प्रवचन सर्टिफिकेट है तो 162, और महिला हो तो 147 आपके लिए। तो सीने की माप की बात की जाए तो अनारक्षित है तो 78.7 सेंटीमीटर है, फुलाने पर आपका ये है, बाकी किलोग्राम जो कि आपका महिला अभ्यर्थियों के लिए है, बाकी लंबी कूद इसमें भी जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 50 मीटर और महिला के लिए 20, लंबी कूद 13 फीट है तो 8 मीटर, और चिन अप की बात की जाए तो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 बार है। दौड़ की बात की जाए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो 5 किलोमीटर, जो कि 30 मीटर, 30 मिनट में आप जो कि कर पाओगे इस पे। तो यही इसके लिए है दो दो के, बाकी इसमें देखिए लिखित मेरिट के आधार पर 6 6 भाई आपकी आंखें होनी चाहिए, 6 9 और रोडर दात से आपकी होगी। आप देखिए गुल नाय के देखिए 89 पोस्ट, 89 गुल नाय के पोस्ट है, तो इसमें देखिए 89 क्या क्या है, तो गुल नायक PSC, तो ये भी क्या है, ये कि RBI है, बाकी 90 पद है, 44,000 से लेवल 7 की नौकरी है, 21 से 29 वर्ष, जिन्होंने फॉर्म पहले भरा है उन्हें भी इसमें जो कि मौका मिला जाएगा, बाकी अर्हता इनके लिए भी वही है जो ऊपर वाले में थी आपकी, दौड़े 40 में और क्रिकेट बैट थ्रो, और 5 किलोमीटर भी है ये जो कि रेस है। बाकी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात की जाए तो पुरुष और महिला के लिए 24 पोस्ट है इसमें, और ये भी उतनी की नौकरी है, और बात इसमें एज भी जो कि जिन्होंने पहले भरा तो वो भर सकेंगे। आप देखिए गृह विभाग द्वारा, आप देखिए उप निरीक्षक RBI अग्निशमन अधिकारी पद है, तो आय सीमा 21 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष थी, लेकिन आय की गणना आपकी 1 जुलाई 2024 से, अभ्यर्थी की आय 1 जुलाई 2024 से 21 होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए, लेकिन गृह विभाग पद है तो उत्तराखंड अधिशासन आयोग में पूर्व में प्रकाशित 3-1 जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उन अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2021 की न्यूनतम आय 21 होनी चाहिए और अधिकतम उसकी 29 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए बाकी पर्वतीय सर्टिफिकेट में इसमें तो विस्तार से यही बताना था आपको। आप जो देखिए इसमें कि क्या है, फीस की बात की जाए तो फीस आपकी अभी तो फीस इसमें कितनी दे रखी है, तो फीस भी बताते हैं आपको।
फीस इसमें फिलहाल दे दे रखी है। अब देखिए पुलिस की, अब नागरिक, अब देखिए गृह विभाग उप निरीक्षक के लिए पुरुषों की हाई ड्यूटी, मैंने बता दिया आपको, ये पूरा इसमें बता दिया है मैंने कि किस वर्ग सीधी भर्ती है, मानक भी यही है इसमें 60 सेंटीमीटर पर्वतीय। बाकी अब देखिए सिलेबस, आप देखिए सिलेबस, सिलेबस जो मैंने आपको पहले भी भेजा होगा, कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि आपने वाला हमको, तो देखिए सिलेबस किस प्रकार से, अब देखिए, आप देखिए दो प्रकार की भर्ती है, उत्तराखंड गुलुम नायक उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अगर अधिसूचित गुलुम नायक के पदों हेतु तो ये पाठ्यक्रम है, तो समान हिंदी 100 नंबर की, 100 जो मैंने आपको भेजा था, 100 क्वेश्चन आएंगे, पहले इसमें 50 क्वेश्चन 1 नंबर 2 का था जो वायरल सिलेबस हुआ था, अब ऐसा कुछ नहीं, अब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का और 100 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे हिंदी के, बाकी 50 नंबर के रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का। और देखिए अब देखिए दोस्तों बात की जाए दोस्तों, बाकी देखिए दो तरह की, जिस तरह आपने ईओ का पेपर देखा होगा, पहली शिफ्ट में आपका 100 नंबर की हिंदी और 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, तो देखिए 150 क्वेश्चन की पहली शिफ्ट होगी इसमें 2 घंटे की, जिस तरह आपने ईओ टेरिटरी का एग्जाम दिया था उस प्रकार से भी इसका एग्जाम होगा। बाकी जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा जिसमें 75 नंबर की जीके आएगी भाई, 75 नंबर की आपकी गणित के क्वेश्चन, 75 75 नंबर के, 1 क्वेश्चन 1 ही नंबर का होगा इसमें, ये देखिए कुछ फर्क नहीं हुआ, जो सिलेबस पहले हुआ था वही रहेगा, बाकी सिलेबस वही है, बाकी इसमें चेंज ये हुआ है कि जो मैंने आपको पहले सिलेबस चेंज हुआ था, पहले 1 क्वेश्चन 2 नंबर का था, अब जो कि 1 नंबर का ही 1 क्वेश्चन होगा, सिलेबस कुछ चेंज हुआ है। बाकी देखिए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, अगर आप इस पोस्ट के लिए हिल फायर स्टेशन पद के लिए मांगते हो तो इसमें भौतिक विज्ञान है 35 नंबर की, रासायनिक विज्ञान है 35 नंबर की और जीव विज्ञान है आपकी 30 नंबर की, तो अग्निशमन अधिकारी की भी 24 पोस्ट आ रही इसमें, बाकी ये देखिए 100 अंकों की परीक्षा इसकी होगी, इसकी आपकी 100, अगर आप इसको भी भरते हो ये आपके अलग दिन पेपर होगा। अब देखिए जो मैंने आपको सिलेबस भेजा था वही सिलेबस है, बाकी फर्क उसमें ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन अब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, पहले 2 नंबर का 1 क्वेश्चन था, लेकिन अब इसमें वही है, इसमें पद विन्यास मुहावरे और लोक विद्या उदाहरण परारूपण जो सिलेबस वायरल हुआ था, बाकी सिलेबस वही है इसका। अब देखिए 50 नंबर की रीजनिंग 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको रणनीति के तहत बताया है, और द्वितीय प्रश्न पत्र ये देखिए जिस तरह ईओ टेरिटरी का एग्जाम देखा होगा आपने, उसी तरह ये द्वितीय, मतलब ये आपका 2 से लगा लीजिए 5 बजे तक होगा और 3 घंटे का होगा, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इतिहास दे रखा है, भूगोल दे रखा है, ये देखिए कभी और बाकी भूगोल दे रखा है और बाकी विश्व का भूगोल इसमें हटा रखा है, जो उस वाले सिलेबस में जो कि वायरल सिलेबस था एक बीच में उसमें जो कि हटा रखा है, राजनीति विज्ञान है और बाकी आपका ये देखिए ये विषय अर्थशास्त्र है आपका और उत्तराखंड है आपका, तो देखिए 75 नंबर की आपकी जीके और 75 आपकी गणित आएगी, तो ये 150 ये हो गया आपका और 100 नंबर की हिंदी और 100 की रीजनिंग। अब दूसरे की बात की करी जाए तो गणितीय प्रकार की ये है गणित का सिलेबस, अग्निशमन द्वितीय के लिए क्या हो रखा है, तो 35 नंबर का अंक की है, प्रश्नों की संख्या 35 है, तो देखिए और आपका इसमें 35 इसमें रासायनिक विज्ञान आएगा और आपकी 30 आपकी इसमें जीव विज्ञान आएगी, अग्निशमन अधिकारी वाला दूसरा सिलेबस है, बाकी गणित भी इसमें दे रखा है 130 नंबर की, इसमें मैथमेटिक आएगी भाई। तो दोस्तों ये था सिलेबस, बाकी मैंने आपको रणनीति बता दी है क्या है इसमें, बाकी जो पहले वाला सिलेबस है जो मैंने आपको भेजा है कभी का, उसमें से आप अर्थशास्त्र को हटा लीजिए, बाकी सिलेबस वही है, आप उसमें से अर्थशास्त्र को हटा, सॉरी भूगोल को हटा सकते, विश्व का भूगोल, बाकी तो सिलेबस की बात की जाए तो उसी प्रकार से 2 शिफ्टों में ये पेपर होगा। तो देखिए UKPSC ने बता दिया है, तो अगर आप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए ये भारतीय अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए, तो आपका जीव विज्ञान प्लस गणित भी होगा, अगर गणित आप अगर बायो वाले हो तो आपके लिए बायो आएगी और अगर आप गणित वाले तो आपके लिए गणित आएगी, ये है भाई इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि ये जीव विज्ञान और गणित क्या देखा, अगर आप बायोलॉजी वाले तो आपके लिए बायो पूछी जाएगी इस अग्निशमन इंटर में आपकी, अगर आपका गणित है तो आपको गणित पूछी जाएगी इससे,
बाकी बकाये सिलेबस वही है, सिर्फ इसमें विश्व का भूगोल चेंज हो रखा है, बाकी सामान्य हिंदी वही है जो आपको 100 नंबर बताए थे, सामान्य बुद्धि परीक्षण भी वही है, सामान्य जागरूकता भी वही है, और आपकी गणितीय क्षमता भी। और चेंज क्या हुआ है कि पहले 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, लेकिन अब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और बाकी आपकी 2 शिफ्टों में होगी, 2 शिफ्ट मतलब अगर आप 10 से 12, जो कि आपका ये देखिए ये 150 नंबर का गणित प्लस रीजनिंग का पेपर होगा, और आपका 2 से 5 बजे तक आपका जीके प्लस मैथ का पेपर होगा, जो आपके उत्तराखंड, जो कि आपका उप निरीक्षक और पुलिस नागरिक पुलिस योजना के लिए होगा। बाकी इसकी बात की जाए तो इसमें आपका जो कि एक ही पेपर होगा और 2 घंटे का होगा, तो अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो आपके बायो पूछी जाएगी, अगर गणित मैथमेटिक्स वाले हो तो मैथ आएगी, बाकी सिलेबस आपका यही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी ये क्वेश्चन था कि जिन्होंने पहला ये फॉर्म 3/1/2022 को भरा था, वो क्या भर पाएंगे, तो बिल्कुल वो भर पाएंगे, और आपकी इसमें कोई फीस नहीं है। अगर फीस की बात की जाए तो ये फॉर्म शायद आपका निःशुल्क है, कई लोगों ने, बाकी फिजिकल की बात के क्रिकेट बॉल थ्रो आपकी 50 मीटर बॉयज़ के लिए, तो 20 मीटर इसके लिए, लंबी कूद 13 फुट बॉयज़ के लिए, तो 8 फुट लड़कियों के लिए, चिन्ह 5 बार इसके लिए, तो इनके लिए कुछ नहीं, इनके लिए सिर्फ रस्सी कूद है, बाकी 5 किलोमीटर की दौड़ है जो कि आपने 30 मिनट में कवर करनी है, बाकी इसमें आपकी कोई फीस नहीं है। बाकी कई दोस्तों के सवाल है कि इसमें फीस, तो फीस कोई नहीं है, बाकी ये सिलेबस है, आप UKPSC से ले लेना, और बाकी इसी विज्ञप्ति अगर चाहे हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल UKPSC स्टडी पॉइंट से ले लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, जय भारत।